नेम के है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लास क्लास ए, एक टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे इसका? न्यू कीवर्ड, न्यू क्लास ए। ये है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सिंपल। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कोई फील्ड्स अवेलेबल होंगे इसमें? वो फील्ड्स ना, सिर्फ क्या होगा, ये प्रोसेस होगा सिंपल। क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसमें कोई फील्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पास मेंशन नहीं किया, ठीक है? अगर हम सेम सिचुएशन, ठीक है, जैसे क्लास बी, इसमें एक फील्ड्स क्रिएट किया इंट ए, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू कीवर्ड से, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, है ना? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कौन से फील्ड्स क्रिएट हो गया इसके अंदर? फील्ड का नेम, मेमोरी नेम, बोलो साहब, मेमोरी का नेम, फील्ड्स जिसको मेमोरी मिलेगी, बोले यार क्या एक नेम मेमोरी बोले? है हाँ, ना। किसको? ए को मेमोरी एलोकेट क्योंकि ना, ठीक है। क्लास बी, क्लास ये कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हाँ? एक कंस्ट्रक्टर कौन सा एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो हमने लिया क्लास सी, इसमें एक वेरिएबल इंट ए कॉमन इंटू बी में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्या नाम है कंस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर का नेम जो क्लास का नेम होगा, क्लास का नेम सी, क्लास देन इसके बाद लॉजिक, ये इसको बोलेंगे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड से, इसे क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मेमोरी किसको किसको मिलेगी यार? इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है। तो ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। कौन से इंस्टेंस वेरिएबल? ए और बी। विथ डिफॉल्ट वैल्यू ना, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। क्या डिफॉल्ट वैल्यू? 0 0 0। ये है आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास डी। क्लास डी, क्लास डी मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस ठीक। क्लास डी वेरिएबल इंट ए कॉमा इनटू बी, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमने, कौन सा? क्लास सी विथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करता है पैरामीटर? इंट ए, इंट ए, इंट बी, इंट ए इंट बी। इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? वैल्यू इनिशियलाइज करना इंस्टेंस वेरिएबल में, है ना। कैसे इनिशियलाइज करेंगे? करंट क्लास यूज कर। करंट क्लास कैसे एक्सेस करेंगे? करंट का ऑब्जेक्ट दिस क्लास, है ना, दिस कीवर्ड से। तो यहाँ जो मेमोरी क्रिएट होगी न्यू कीवर्ड से, न्यू कंस्ट्रक्टर क्या है? डी। डी क्या इनपुट ले रहा है इसमें? ए एंड बी की वैल्यू, है ना। ए और बी की वैल्यू 10, 20। ये कंस्ट्रक्टर 10, 20। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वैल्यू किसे मिलेगी? मेमोरी को। कौन कौन सी मेमोरी? इंट ए एंड इंट बी, ना, ए और इंट बी। ए मेमोरी और बी मेमोरी, फर्स्ट टाइम इसके अंदर क्या होंगे? डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट, सर ये पैरामीटराइज दिया है सर, ये इंट ए इंट बी, यहाँ सर डी आएगा ना सर, क्लास का नेम स्टार्टिंग में सर सी है। ओहो सॉरी यार, डी ना, क्लास का नेम डी होगा, क्लास का नेम डी। कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया, कंस्ट्रक्टर जाएगा किसके पास? डी के पास, मैच किया। यहाँ लोकल वेरिएबल, लोकल मेमोरी क्रिएट होंगी, कौन सी? ए और बी के लिए। इसमें असाइन किया जाएगा ए और बी की वैल्यू। तो मैं अभी एक लोकल मेमोरी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पास, तो ए और बी के लिए, ठीक है, ए और ए में क्या असाइन किया जाएगा? 10 वैल्यू, बी में
लोकल वेरिएबल है ना, पैरामीटराइज वेरिएबल। यस, इसकी मेमोरी का नेम ए और बी। वेरिएबल नेम यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ए बी हो, लोकल वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हम सेम इसलिए करते हैं ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम ए जो वेरिएबल है ये असाइन हो रहा है ए में, बी वेरिएबल जो असाइन हो रहा है बी में, ठीक है। तो कैसे असाइन करेंगे इसको, तो फर्स्ट इसको बोलते हैं एक्सेस करना, कैसे करंट क्लास के मेंबर को, जो करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर है इसको हमें एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड, दिस डॉट ए। दिस डॉट ए ये वैल्यू एक्सेस किए, इसमें असाइन किया इसकी ए वैल्यू की, ए वैल्यू का डेटा, ए वैल्यू में क्या डेटा असाइन हुए जो भी असाइन हो गए। दूसरा क्या है, इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे दिस डॉट बी इक्वल टू बी। ये लाइन समझ में आ गई सभी को? यहाँ मैं सिंपल एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मेमोरी जो है ये बी इधर असाइन होगा, ये जो है यहाँ, और ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी बी मेमोरी है ना, ये जो है असाइन होगा इधर, ये बी में, यहाँ इंट ए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या करना है, वैल्यू इन असाइन कराना है, और कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड जब एग्जीक्यूट होगा तो इनको मेमोरी प्रोवाइड करना डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो ए वैल्यू में अब जाके यहाँ पास स्टोर करना ए वेरिएबल, तो कैसे करंट क्लास के रेफरेंस एक्सेस करेंगे, यहाँ पर जाएगा सीधा इसके अंदर स्टोर किया जाएगा इस प्रोसेस में बी के लिए, ठीक है। जा रिप्लेस कर दो इसको, रिप्लेस किया जाएगा, फर्स्ट क्या था 10 से 0 से हो जाएगा 10, 10 20 20, अरे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट किधर प्रेजेंट है, आप हीप एरिया में है ना, हीप एरिया में, ऑब्जेक्ट जो हीप एरिया, समझ में आया, जेबी में आर्किटेक्चर हाँ सर, ईप एरिया में। हाँ हीप एरिया में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब हमें हाँ सर, इसको फेच करना है तो कैसे फेच करेंगे, एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे और उस लोकल वेरिएबल के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, क्यों, क्योंकि हीप एरिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, हम कैसे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे उसके रेफरेंस के थ्रू। तो ये एक ऑब्जेक्ट अपना रेफरेंस जनरेट करता है, जेवीएम इसे प्रोवाइड करता है। तो रेफरेंस क्या है इस ऑब्जेक्ट का, कोई भी टी एट द रेट 110, ये है मान लो रेफरेंस जनरेट कर, ठीक, इस ऑब्जेक्ट का। अब इसे एक्सेस करेंगे एक लोकल वेरिएबल बना के, लोकल वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस ऑब्जेक्ट को मान लो, इस ऑब्जेक्ट को अभी सिर्फ कंसीडर करना, मानना है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसकी, जिसमें वैल्यू कितनी है 10 और 20 है ना, 10 एंड 20, हाँ हम 10 एंड 20, अगर हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू, हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू होता लाइक
तो 30 को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी कौन से बनाते हैं, किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करते हैं? इंट एक्स है ना, इंट एक्स बनाते हैं। सर अगर हमें 30,40 स्टोर करना है तो इंट वैल्यू में स्टोर होगी, इंट इस इंट इंट टाइप की मेमोरी में टू वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं? नो सर नहीं होगा। तो इसके लिए हम हमें क्या करना होगा, एक कस्टम डेटा क्रिएट करना, कस्टम डेटा टाइप बनाना होगा, कस्टमाइज। तो कस्टमाइज डेटा टाइप हमने अभी क्या क्रिएट किया, डी। डी क्या है, एक कस्टम डेटा टाइप मीन्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का नेम हमने क्या बनाया, डी। डेटा टाइप का नाम डी। इसमें हमें वैल्यू स्टोर करना है, कौन सा वैल्यू स्टोर करनी है, दो वैल्यू। तो दो वैल्यू के लिए हमने एक मेमोरी का नेम लिखा है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी इसमें स्टोर कर सकते हैं, ए इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और बी। अब क्रिएट कर सकते हैं ए और बी, ए और बी में हमने कोई वैल्यू स्टोर किया 10, बी में स्टोर किया 20। एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल, इंट टाइप का, बी वेरिएबल। दो वैल्यू हो गए ए और बी, जो डी टाइप है वो स्टोर करता है इंट ए इंट बी की वैल्यू, मीन्स ग्रुप ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल का ग्रुप। डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है हमारा डी। क्यों डी, क्योंकि ये कस्टम डेटा टाइप है। कैसा हमने बनाया है, हमने इस कस्टम डेटा को, डेटा टाइप को बनाया है कि ये दो इनपुट ले सकता है, वो भी इंट वैल्यू। अगर आप कस्टम डेटा इंट के बजाय डबल बनाते, डबल, तो ये जो मेमोरी है डबल इंट है, इसमें इंट में इंट इंट है डबल, तो ये आपका मेमोरी यहाँ जो हमने बनाया इंट ए, तो ये मेमोरी का नेम क्या रखते हैं आप, यहाँ डबल डबल। तो क्लास डी जो है, जो कस्टम टाइप का डेटा टाइप है, वो किस टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप करता है, डिफरेंट टाइप जो डेटा टाइप है, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को ग्रुप कर सकता है डी। लेकिन अगर मैं डबल के बजाय यहाँ मैं डेटा पास करूँ, यहाँ डेटा पास करूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, अब बताओ स्ट्रिंग बी, ये क्या डेटा टाइप जो आपने क्रिएट किया कस्टम, ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? नो सर। डी, डी जो डेटा टाइप है ये वैल्यू होल्ड करेगा, ये नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास इंट वेरिएबल, इंट वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए डेटा इंट है, बट इसके पास स्ट्रिंग टाइप का कोई मेमोरी नहीं है, इसलिए ये सिंटैक्स वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हम जिस टाइप का डेटा टाइप आप बना रहे हैं उसी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो हमने जो डेटा टाइप बनाया है वो इंट वैल्यू स्टोर कराने के लिए, ठीक है। मैं अभी वापस से रख लेता हूँ, इंट ए इंट बी। तो इसका जो डायनेमिक मेमोरी जो आपने बनाया है डी, ये रेफरेंस डेटा टाइप जो स्टोर करना, तो किस टाइप के डेटा है बताइए, डेटा क्या है? तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, वैल्यू, वैल्यू, ये वैल्यू है 30, और एक ये क्या स्टोर कर रहा है डी, ये एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप, न्यू डी, ये जो है ये है ऑब्जेक्ट, मीन्स ये डेटा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक क्या है, डेटा, डेटा, ये भी क्या है, डेटा, जिसको हम स्टोर इसको असाइन कर रहे हैं किसमें, इंट टाइप, ग्रुप ऑफ, ग्रुप का डेटा था, ग्रुप ऑफ टास्क। हाँ, ये ग्रुप
किया हुआ है डेटा, मल्टीपल डेटा को ग्रुप करके असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डी जो है ये कस्टम डेटा टाइप है। ये डी क्या है? कंस्ट्रक्टर है। किस टाइप कंस्ट्रक्टर? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या डी के पास कोई नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है? इधर नहीं, नो नहीं है ना। तो यहाँ हमें क्या है, किस टाइप का ये डेटा ले रहा है? इंट, इंट वैल्यू का सर, फोल्डर। तो आप यहाँ से वैल्यू जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा डेटा को, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो 10, 20, 10 एक वेरिएबल है जो मेमोरी क्रिएट करेगा इंट टाइप का, और 20 एक वेरिएबल है जो मेमोरी क्रिएट करेगा इन टाइप का। तो दोनों वैल्यू होल्ड कर लेंगे। यस। तो जब इसमें यहां ये वाली वैल्यू, इसमें क्या होगा? सेम सीन है, इसको असाइन किया जाएगा यहाँ एक्स में, इसको असाइन करेंगे किसमें? डी में, है ना। इसके लिए जो मेमोरी क्रिएट होगी वो क्या क्रिएट होगी? इंट टाइप की मेमोरी नेम एक्स एक्स वैल्यू 30। न्यू एक्स इसके लिए डी के लिए मेमोरी ग्रुप ऑफ वेरिएबल ना, सर, लेकिन इसका डेटा थैंक टाइप यू। क्या है? कस्टम डेटा टाइप। कस्टम डेटा टाइप के लिए इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं यार? टू इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ टू इंस्टेंस वेरिएबल मिला। वेरिएबल नेम किस टाइप का डेटा टाइप डेटा है? किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है? ए, नॉन हाँ इंट टाइप का, ए और डी बी। ये क्या है वेरिएबल? ये डिफॉल्ट वैल्यू इंट की 0, इसकी 0, ठीक है। ये न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, है ना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट होगा तो असाइन किया जाएगा क्या? वैल्यू ना। यहाँ वैल्यू क्या असाइन होगा? ए वेरिएबल में 10 और इसमें बी में 20। आया समझ में? जी जब ये असाइन होगा तो अब ये न्यू कीवर्ड के असाइन ऑपरेटर है ना, असाइन ऑपरेटर डबल ए इक्वल ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर, इसमें न्यू कीवर्ड ने इसका जिस तरह से एक्स की वेरिएबल क्रिएट हुआ है, मेमोरी क्रिएट हुआ, तो क्या इसका भी कोई मेमोरी क्रिएट होगा? लोकल मेमोरी। क्यों यार, ये मेमोरी भी क्रिएट होगा या नहीं? सर, ये ग्रुप ऑफ क्लास के नाम से बन जाएगा डी सर, ये जो है ग्रुप कस्टमाइज ऑफ डेटा के नाम क्लास, से रहते हाँ ये जो है ये भी एक मेमोरी क्रिएट होगा। ये किस टाइप की मेमोरी क्रिएट हुई? इंट। इंट। अब ये जो क्रिएट होगा वो किस टाइप की मेमोरी क्रिएट होगा? डी, लेकिन डी डी टाइप का डी, लेकिन वैल्यू क्या होल्ड करेगा? ये वैल्यू ये ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बट इसके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है?
ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ये न्यू कीवर्ड से क्रिएट हुआ, लेकिन ये डेटा प्रेजेंट कहाँ है? ये जो डेटा है ये प्रेजेंट कहाँ है अभी JVM में? कहाँ प्रेजेंट है यार? हीप एरिया ना, हीप एरिया तो बोलो ना हीप एरिया में। हीप एरिया में प्रेजेंट है, एक्सेस कैसे करोगे? रेफरेंस के थ्रू ना। हाँ? सर, अगर मैं पूरे प्रोग्राम में 30 लिख दूं, मैं बोलूं इसको एक्सेस करके बताओ, एक्सेस कर पाओगे? हम्म, देखो बताओ, क्लास ए ठीक है, और यहाँ इंट ए कॉमो इंट बी, इधर एक मेथड ले पब्लिक, वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स ऑफ थर्टी कॉम। अब इसको स्टोर करो ए में, 40 स्टोर करो बी में, अब डिस्प्ले कराओ मुझे। इंटरन ऑफ ए की वैल्यू और प्रिंट करो बी की वैल्यू। बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्यों एरर आएगा क्यों एरर आएगा? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना सर, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नॉन पड़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल है ना सर। अच्छा, ये लो स्टैटिक वेरिएबल के लिए। अब बताओ अब एरर आएगा? जाओ फुल स्टैक। बैच आईडी क्या है तुम लोग के? CJ7 ना? यस सर, क्लास नेम ए डॉट जावा। एग्जीक्यूट करते हैं। java क्या प्रॉब्लम आएगी बोलो, क्या एरर बताओ? एरर क्या आएगा? स्टैटिक में सर के इंस्टेंस में सर, अरे इस प्रोग्राम में एरर क्या आएगी? कहाँ आपको मिस्टेक कहाँ दिख रहा है इस प्रोग्राम में? कौन सी लाइन में मिस्टेक है बताओ? सही है प्रोग्राम? प्रोग्राम सही है यार? सर मेन मेथड के अंदर सर कहाँ है मेन मेथड के अंदर? क्या क्या प्रॉब्लम है मेन मेथड में? सर, इसको कॉल कराएंगे तो सर क्लास के रेफरेंस से कॉल कराएंगे ना सर, इसको प्रिंट कराएंगे सर तो सर क्लास के रेफरेंस से नहीं? हाँ, करंट क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर, क्लास के अंदर डायरेक्ट तो आप एक्सेस कर सकते हो। लो चलो मैं आपका डॉट वो भी क्लियर कर देता हूँ। ए ठीक है, अब अभी बताओ कोई प्रॉब्लम? हाँ बोले यार,
सो गए क्या सभी लोग? विश्वास? नहीं सर, हाँ नहीं सर, जगे हैं। तो बताओ, रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो। हाँ चलो, सर उसको वेरिएबल तो बनाओ सर, वेरिएबल 30-40 को सर, थर्टी और फोर्टी को। क्यों, वेरिएबल की क्या जरूरत है? मैं वैल्यू पास तो कर रहा हूँ ना, एक्सेप्ट करेगा? 30 और 40 वैल्यू मैं दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगा? नहीं। देखो क्यों नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा। देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या है देखो, कंपाइल किया सीधा 30 और 40, क्या बोला? नॉट अ स्टेटमेंट। 30 और ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू, आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं, बट किधर एंटर कर रहे हैं? हाँ सर, तो जब ये 30 और 40 को मेमोरी नहीं मिल रही है, तो बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मान लो इसको, किधर गया डायग्राम हमारा, ये ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया था इधर, नहीं बनाया, चलो बना लेते हैं। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, या स्टूडेंट हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी, कोई भी डेटा ले लो समझ लो, ठीक है। तो ये इसका डेटा, इसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका मैंने लिया आईडी, नेम और एड्रेस, ये है डेटा ना, ये डेटा। बट डिफरेंस क्या है 30 और 40 में? 30 और इसमें डेटा में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? ये है सिंगल वैल्यू, ये ग्रुप, ये पूरा कंप्लीट ग्रुप रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट को, ये रिप्रेजेंट करता है किसी यूनिट को, है ना, किस टाइप का डेटा सेट। यस सर, तो ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल वैल्यू मीन्स एक टाइप का डेटा, और ये रिप्रेजेंट करता है एक टाइप का ऑब्जेक्ट, एक ही है ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का स्टूडेंट। लेकिन अगर व्हीकल है तो व्हीकल का नेम है ना, व्हीकल का एड्रेस, व्हीकल का मोबाइल नंबर, है ना, ऐसा होना चाहिए, व्हीकल के पापा का नेम क्या व्हीकल फादर्स नेम होगा? नहीं सर। तो नो सर, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना। हाँ सर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेम टाइप का डेटा। सेम जो डेटा है वो डिपेंड करता है किसके डेटा टाइप पर। ये डेटा आपका स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, कुछ डेटा व्हीकल के हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमें मेन हमें मालूम होना चाहिए कि ये एक डेटा जो है क्या करता है, ग्रुप करता है किसी सिंगल यूनिट में, किसी सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक सिंगल डेटा है, सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, ये सिंगल डेटा है लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू होल्ड करता है, डिफरेंट टाइप की वैल्यू को, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ना। अगर पर्सन होगा तो पर्सन के अंदर कितनी कैटेगरी होती है, कितने टाइप के पर्सन होते हैं,
पर्सन हो सकता है एनिमल, कैट हो सकता है पर्सन, डॉग पर्सन होगा, स्टूडेंट है ना, पर्सन स्टूडेंट हो सकता है ना, पर्सन स्टूडेंट, कैट एम्प्लॉय, ट्रेनर ट्रेनर, चारों में से किसकी प्रॉपर्टी मैच करती है पर्सन से? एक्सेप्शनल कैट। ये आपको लगता है कि ये पर्सन हो सकता है, ये पर्सन है, ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है, बट ये पर्सन नहीं है। तो आपने कैसे इसको कैटेगराइज किया, इसको कैसे एनालाइज किया कि ये कैट पर्सन हो ही नहीं सकता? सर उसकी प्रॉपर्टी, हाँ इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी और एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी और ट्रेनर की प्रॉपर्टी, जब ये तीनों पर्सन टाइप के हैं, तीनों सेम होना चाहिए ना, हम तीनों के एक ही ऑब्जेक्ट बना दे क्यों? हाँ सर, तीनों के एक ही बना दे। हाँ सर, हाँ सही बोल रहा हूँ, यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, एक ही क्रिएट कर दो, कुछ डिफरेंट नेम रख दो, स्टूडेंट नहीं एस ई टी रख दो, शॉर्ट नेम, डेटा टाइप है ना, एस मीन्स स्टूडेंट होगा, ई मीन्स एम्प्लॉय होगा, टी मीन्स ट्रेनर। अब ये बताओ एस ई टी टाइप डेटा टाइप जो है, हाँ ये डेटा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो कैसे दोगे? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके बताओ, स्टूडेंट से आप क्या इनपुट लोगे कि बताओ सैलरी अपनी, आईडी आपने लिया, सैलरी लिया, स्टूडेंट का डेटा होल्ड करने के लिए कौन सा कोर्स ट्रेंड करता है, ट्रेनर क्या जो फैकल्टी है वो क्या पढ़ाता है, बेस्ट टाइमिंग क्या है इसकी, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है। अरे कंफ्यूजन है ना यार, एक ऑब्जेक्ट में किसकी किसकी वैल्यू होल्ड करोगे आप? स्टूडेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट एम्प्लॉय ट्रेनर सर सबकी करेंगे ना सर, सबकी कर लोगे, चलो बढ़िया है। बताओ एक मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया आईडी, अब ये आईडी किसकी होनी चाहिए, स्टूडेंट की होनी चाहिए या एम्प्लॉय की या ट्रेनर की? सर स्टूडेंट की, ठीक है स्टूडेंट की। आईडी तो सर किसी की भी हो सकती है, हाँ किसी की भी हो सकती है, तो चलो मान लो स्टूडेंट ने अपना इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब बताओ सैलरी, सैलरी किसकी होगी इसके अंदर, किसका डेटा स्टोर होगा सैलरी, स्टूडेंट की सैलरी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का किसका स्टोर होगा, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का, कोर्स किसका होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट का। ये जो है कितने वेरिएबल्स मेमोरी, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो किस टाइप की मेमोरी एलोकेट की जाएगी, एक डेटा इंट के लिए, एक डेटा सैलरी होल्ड करने के लिए, एक जो होगा, हाँ सर, एक जो होगा डिपार्टमेंट होल्ड करने के लिए और एक जो होगा कोर्स होल्ड करने के लिए, दूसरा जो होगा। आपने मान लो रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट किया, सिंपली मान लो एकदम एक रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट किया, किसका रजिस्ट्रेशन पेज, एसईटी का, एसईटी है ना, है एसईटी में आपने तीनों लोगों को बोला कि है स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय एंड ट्रेनर, मैं आपको एक ही फॉर्म दूंगा, इसी में सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है यार जिसको मैंने ग्रुप करके रखा है। तो उसने बोला आप बोलो, आप बोलो
यहाँ एक बटन, एक बटन हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, कोर्स, सारे डिटेल्स हमने ले लिए। किससे? किससे लिए यार? स्टूडेंट से या ट्रेनर से? स्टूडेंट से सर। स्टूडेंट से, ठीक है। तो स्टूडेंट ने अपना डिटेल फिल किया, क्या डिटेल फिल करेगा इसके अंदर? आईडी ले लेते, 101। सेकंड, सैलरी, स्टूडेंट की सैलरी कितनी है बताओ? अपना सैलरी एंटर करेगा या फील्ड छोड़ देगा? आईडी और कोर्स डालेगा सर। आईडी और कोर्स एंटर करेगा। बाकी ये दो जो वेरिएबल्स मैंने, जो दो मेमोरी है, वो किसके लिए है? दो फील्ड आप फिल करेंगे, दो फील्ड छोड़ देंगे एम्प्लॉय के लिए? कैसे? ये रजिस्ट्रेशन, यहाँ सबमिट किया, चलो मान लो स्टूडेंट सबमिट किया, स्टूडेंट आया, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये डेटा जाएगा किधर? स्टोर होने के लिए डेटाबेस में, है ना। तो क्या वैल्यू लेके जाएगा? मान लो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है तो क्या वैल्यू लेके जाएगा? आईडी, कोर्स, सैलरी, डिपार्टमेंट, स्किप, है ना? यस सर। ठीक है, अब मान लो एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसने आईडी एंटर किया, सैलरी एंटर करेगा, सैलरी एंटर किया, डिपार्टमेंट एंटर किया, कोर्स कौन सा एंटर करेगा? एंगुलर। बोल, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? डेटा सबमिट किया, एंटर किया, तो ये एक फील्ड छोड़ देगा, कौन सा? कोर्स का। क्या इसके पास क्या है? आईडी है, सैलरी, डिपार्टमेंट, सैलरी, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब तीसरा कैंडिडेट आया, तीसरा कैंडिडेट क्या है? ट्रेनर। ट्रेनर क्या बोलेगा? ट्रेनर ने अपना आईडी ऐड किया, ट्रेनर की सैलरी ऐड हुई, कोर्स ऐड हुआ, डिपार्टमेंट ऐड हुआ। कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है वो? डिपार्टमेंट मान लो सीएससी। और कोर्स का, कोर्स ना जो भी है उसका कोर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो ट्रेनर के लिए क्या आपने, ये सारे ट्रेनर सारा फिल करता है, ठीक है। तो ट्रेनर ने क्या लिया? आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट और कोर्स। क्या डिफरेंस समझ में आया? तो ऑल स्टूडेंट, जितने भी 100 स्टूडेंट होंगे तो उनके 100 मेमोरी क्रिएट होगी, 100 मेमोरी क्रिएट होगी, तो 100 टाइम्स क्या होंगे? 100, अरे यार कहाँ चला गया, 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। यस सर। और ये ऑल फील्ड्स ले रहे हैं कि स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट कितनी है? Only two fields की। तो बताइए 1, 2, 3 fields में, 3 fields में, तो सारे object को हम provide करेंगे, 3, 3, 3। Unnecessary memory waste है ना यार। हाँ सर। तो क्यों ये field लेंगे? जब student को जिस चीज की requirement नहीं है, वो unnecessary है, हम क्यों memory create करेंगे? नहीं ना। तो हम ये requirement क्या है? जो requirement है इसके data को हम group कर सकते हैं, उसको अलग कर दो। तो हमने क्या किया, इसको एक अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और इसको असाइन किया, इसका नेम, क्या नेम असाइन किया? यहाँ एसईटी नहीं, एसईटी हटा के इसको बोला कि नहीं, स्टूडेंट को अलग करो, क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। अननेसेसरी एक भी मेमोरी क्रिएट करोगे तो वो 1 करोड़ यूजर होंगे, तो 1 करोड़ क्या होंगे, इसके मेमोरी अनवेस्टेड, है ना।
तो हमें मेमोरी को काफी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो इसका डेटा टाइप कैसे क्रिएट किया हमने, ये कन्वर्ट कर इसको, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, आईडी सैलरी किसके लिए, एम्प्लॉय को ही है, एम्प्लॉय, हाँ, इधर ट्रेनर के लिए, इधर ट्रेनर के लिए अलग, तो इन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं अलग। तो हमारा एक डेटा टाइप, एक डेटा क्या बन रहा है, ऑल स्टूडेंट जो है अपनी डेटा को स्टोर कराने के लिए कौन सा डेटा यूज, डेटा टाइप यूज करेंगे, स्टूडेंट डेटा टाइप। ऑल ट्रेनर्स अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ट्रेनर डेटा टाइप, ऑल एम्प्लॉयज होंगे अपना डेटा स्टोर करने के लिए एम्प्लॉयज डेटा टाइप। समझ में आया, यस सर, एम्प्लॉय ट्रेनर स्टूडेंट जो हमें रिक्वायरमेंट है वो करेंगे, अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ जो हम अप्रोच यूज कर रहे थे पर्सन, तो पर्सन में क्या होगा वो चीज चलो बताएंगे, ये सुपर क्लासेस हैं बाद में देखेंगे। तो पेरेंट चाइल्ड क्लासेस क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट एक अलग क्लास बनेगी, एम्प्लॉय एक अलग, ट्रेनर एक अलग। अब तीनों में क्या मैच कर रहा, स्टूडेंट पर्सन ट्रेनर में तीनों में क्या मैच कर रहा, तीनों में आईडी मैच कर रही, आईडी आईडी आईडी। तो क्या आईडी जो है एक पर्सन, मतलब पर्सन में रख सकते हैं, पर्सन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाए उसको एक बार बनाए और सारे क्या करें पर्सन से यूज कर लेते, एक ऑब्जेक्ट एक अलग से मेमोरी बनाया जहां से ये आईडी आईडी अननेसेसरी क्या हो रहे हैं मेमोरी कंटेन कर रहा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपको चाहिए आईडी तो आप पर्सन को कॉल कर लो, तो पर्सन प्रोवाइड कर देगा आपको एक मेमोरी मीन्स एक्सेस, कि आपको मेमोरी अननेसेसरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पर्सन को कॉल कर लो। तो पर्सन, पर्सन क्या हो गया सुपर क्लास, आईडी यहां से रिमूव। तो वन टाइम मेमोरी किसको प्रोवाइड की जाएगी, एक मेमोरी, एक ही मेमोरी क्रिएट होगी जब भी हम स्टूडेंट कॉल करेंगे, स्टूडेंट जो कॉमन मेमोरी है तीनों के लिए, हाँ कॉमन कर ले, ये होगा कॉमन मेमोरी बन जाएगी पर्सन सुपर क्लास। तो ये जो मेमोरी है सभी के लिए वर्क करेगा, तो आपको आईडी करने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पास होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक फील्ड क्रिएट होंगे और यहाँ जो होंगे एक ही मेमोरी होंगी जो बार बार क्या किए जाएंगे यूज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ है। और इसी तरह से इसकी भी आईडी रिमूव कर लो, इसके लिए भी, और ये जो है ये पर्सन, ये आईडी, तो क्या जा रहा है, चल डेटा ये कैच कर रहा है क्या इस तरह से यहाँ पास। तो इसके लिए अलग अलग मेमोरी, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे एक मेमोरी यहाँ क्रिएट होगी और एक पर्सन की होगी, पर्सन में क्या जो डेटा स्टोर होगा वो क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे। तो खैर आईडी की बात नहीं है, आईडी सभी की यूनिक होती है। तो आईडी मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आईडी नहीं रखना है आपको यहाँ पर्सन में, जो चीजें मैच कर रही हैं वो चीजें कॉमन चीजें रखनी है जो चीजें सभी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आईडी एक यूनिक डेटा है तो सभी की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास आईडी जो थी आपको कॉमन दिख रही थी तीनों में, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, समझ गया पर्सन, हाँ पर्सन की जो अगर प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो जैसे कि पर्सन के पास क्या होते हैं, पर्सन कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी, जैसे उसके पास आईज लेग हेड ये सारे सब कॉमन प्रॉपर्टी हैं, तो इनको इस टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलो तो ये है डेटा टाइप,
डेटा टाइप क्यों किया हमने, ग्रुप करने के लिए वेरिएबल्स। तो यहाँ जो है ये है डेटा, इस डेटा को हम असाइन कैसे कर रहे हैं यहाँ पास, यहाँ तो यहाँ अगर हम 30 अगर एंटर कर रहे हैं तो 30 क्या है, ये एक डेटा है। किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है यार, इंट टाइप का डेटा है, बट ये हम स्टोर्ड कहाँ कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, इनकी मेमोरी, ये मेमोरी क्रिएट हुई है, इस मेमोरी में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको असाइन करो 30, ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर इसको असाइन करो इसके अंदर, तो ए इक्वल टू 30, ए जो है आपका ये। अगर आपको ए नहीं लेना है, कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है, तो एक्स एक्स इक्वल टू 30, वाई इक्वल टू 40, ये लोकल वेरिएबल। लेकिन लोकल वेरिएबल अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट है। आपने वेरिएबल नेम दिया है लेकिन किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं बताइए, ठीक है। देखो एक कंपाइल करते हैं, अभी क्या प्रॉब्लम है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये जो है x और y, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, लेकिन ये मेमोरीज को प्रोवाइड नहीं की गई, क्यों, क्योंकि जब तक आप इसका डेटा टाइप नहीं बताते, ठीक है, तो आपको डेटा टाइप बताना जरूरी है, किस टाइप का डेटा है ये, आपने बताया इंट, ठीक है, बताया इंट, तब जाके ये क्या हुआ, डेटा स्टोर हुआ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, अभी कोई देखो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं, ओके। अब मान लो आपने एक डेटा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड से क्या क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मींस एक डेटा टाइप। अब ये है आपका डेटा, ऑब्जेक्ट मींस डेटा ना, क्योंकि डेटा होल्ड करता है, ये डेटा है। अब इसको असाइन करेंगे इस ऑब्जेक्ट को किधर, एक डेटा रेफरेंस, डेटा टाइप। आपने कोई वेरिएबल बनाया, मान लो A1, A1 क्या है, एक रेफरेंस है, मींस एक वेरिएबल। इस वेरिएबल कैसा है, किस टाइप का वेरिएबल है ये वेरिएबल, ये किस टाइप का डेटा है, डेटा टाइप इसका, इसका डेटा टाइप क्या है, ये 40 डेटा है, 40 किस टाइप का है, इंट टाइप का। A1 जो है, इसमें जो डेटा स्टोर किया जा रहा है, किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा रहा है, सर इंटीजर डेटा, इंटीजर डेटा, हाँ सर इंटीजर, इंटीजर लिखेंगे, हाँ सही है। अरे ये इंट वैल्यू है क्या, ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब ये जो है किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये बताओ, सर इंटीजर, इंट, ए टाइप की वैल्यू है, फर्स्ट टाइम क्यों बनाया है, अच्छा हाँ एक ए टाइप की, क्लास के नाम से, क्लास के नाम से नहीं, क्लास के नाम से तो बात अलग है, लेकिन आप डेटा टाइप समझो ना, 30 किस टाइप का डेटा है, इंट टाइप का ना, हाँ सर, इसके ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट, क्योंकि हमें मेमोरी क्रिएट करनी है तो डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, है ना, किस टाइप का डेटा, यस सर, तो आपने बोला कि हमें इंट टाइप की मेमोरी क्रिएट करो, तो उसका डेटा टाइप बताए, ठीक है। आपने बोला मुझे स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट, तो इसका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है डेटा, ये है डेटा, और इस डेटा का टाइप, ये है डेटा, ये डेटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा है, लेकिन इस डेटा का टाइप क्या है, एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय टाइप, ट्रेनर टाइप, ट्रेनर टाइप का डेटा, इसको हमने क्या किया, एक
यूनिट में कन्वर्ट किया, ग्रुप किया है, ठीक है। अब समझ में आया, यहाँ यहाँ जो है ये है डेटा, लेकिन ये डेटा किस टाइप का डेटा है? इसका डेटा का टाइप क्या है? अरे ए ना। ये सर क्लास के नाम से यस। हाँ, अगर ये डेटा, अगर हम कस्टम डेटा क्रिएट करते स्टूडेंट स्टूडेंट, तो बताइए इसका डेटा टाइप जो होता है वो किस टाइप का डेटा होता है? ये सर स्टूडेंट जो स्टूडेंट। होता बस वही है और कुछ नहीं है यार, सिंपल है। आपको जो सर चीज एक्चुअली दे है, बता सर बता तो वही रहते हैं सर, लग रहा है कुछ अलग बता रहे हैं आप सर। थोड़ा सा घूम जा रहे हैं। सर यही लग रहा था। सर लग रहा है शायद कुछ आप अलग बता रहे हैं, कुछ उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट कुछ। चक्रव्यूह अच्छा, नहीं वही चीज है यार। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी आपको सिर्फ ए दिख रहा है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे आज ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो कल आपको सुपर क्लास में फंस जाओगे, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास में फंसोगे, फिर उसके बाद लूज कपलिंग में फंसोगे। तो इसलिए मैं सारी चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आपको प्रॉपर सेट हो माइंड में कि एक्चुअली ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप आपके माइंड में सेट होगा। और ये जो डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है, ये इधर पैटर्न क्या चला गया। ये सारे डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही जो है आपको क्लियर नहीं होगा तो कल आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे यार क्या पेरेंट है, क्या सब चाइल्ड है, किसको इनहेरिट किया जा रहा है, किसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वहां जाके आप फंसोगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे चीजों को। समझ में आया? सर हाँ, इसलिए मैं चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपको क्लैरिटी आ सके, कि आपको मालूम हो कि ये जो टाइप है न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि कल के दिन जो हो इसके अंदर ये जो डेटा टाइप है, कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर यही ये डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो। ये डेटा कुछ भी हो सकता है यार, ये डेटा टाइप है। जैसे मैंने इसको एक एग्जांपल के लिए दिया, एक एग्जांपल देखो, जैसे कि पर्सन है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू स्टूडेंट, बताओ सही है या नहीं? नो स्टूडेंट सर जो है पर्सन टाइप का है कि नहीं? जिसका स्टूडेंट का जो डेटा है, ये डेटा स्टूडेंट डेटा, ये पर्सन टाइप का है कि नहीं? पर्सन डेटा, इसका डेटा टाइप पर्सन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। सुपर एक तरह की सुपर क्लास हो गई सर पर्सन। हाँ, अब ये है, ये एक पर्सन पर्सन ए टू इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये हो सकता है पर्सन एम्प्लॉय टाइप का, यस सर हो सकता है। हाँ सर पर्सन ए थ्री न्यू ट्रेनर ट्रेनर, ये हो सकता ट्रेनर है। डेटा है यस यार, ये डेटा है, इसके अंदर कोई भी डेटा हो सकता है, सर। लेकिन ये डेटा टाइप टाइप बताना पड़ेगा ना कि ये आपने बोला यहाँ 30, 40, 50, 60, कि अब मैंने बोला कि 60, अरे 50, अब 50 बोलोगे, अरे सर ये 50 क्या है, किस टाइप का डेटा है? अरे बताओ ना इसका डेटा किस टाइप का है, ये जो है डेटा इंट टाइप का है, मेमोरी दैट है। यस हाँ, समझ में? सर हाँ, हाँ तो इंट इंट ए इंट एक्स इंट वाई इंट जेड कितना भी आप ले लो, लेकिन डेटा आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा ना हमेशा, या सेम हो सकता सर है, सेम होगा तो डुप्लीकेट कहलाएगा, अगर डिफरेंट होगा तो यूनिक होगा। तो इस तरह से ये ट्रेन पर्सन एक डेटा टाइप, तो हमें बताना है कि कौन सा डेटा है जो किस में किस टाइप के डेटा टाइप को प्रोवाइड करना, इसका डेटा टाइप क्या प्रोवाइड करना। तो हमने ए ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर रहे हैं किसके अंदर, पर्सन में। क्यों? क्योंकि पर्सन की जो एबिलिटी है वो स्टूडेंट से मैच करती है ना। ये पर्सन का जो डेटा है
जो स्टूडेंट का डेटा है ये पर्सन की मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन का जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है, वो मैच करता है। इनमें से भी मैच करते हैं। हाँ, इम्प्लॉय का, जो इम्प्लॉय के पास जो भी प्रॉपर्टी होंगी, जो भी क्वालिटी होंगी, वो पर्सन से मैच करती ही होंगी 100%। इसमें कोई यहाँ पर कोई इशू नहीं है, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे इम्प्लॉय हो, या स्टूडेंट हो, या यस हाँ या मास्टर सेफ हो, कोई भी हो, लेकिन वो पर्सन 100% होगा ही होगा। इसलिए इसका डेटा टाइप ये फिक्स है। 50 हो, चाहे 40 हो, चाहे 30 हो, चाहे 100 हो, 1000 हो, क्या है, इसका डेटा टाइप आपका फिक्स होगा, क्या है कि इंट टाइप। समझ गए? यस चलो इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज स्टूडेंट भी क्लोज करते हैं। हमें चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एक मेमोरी क्रिएट किया न्यू ए, इसका किस टाइप का डेटा है, ये डेटा किस टाइप का है, ए होगा, टाइप ए वन रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि ए डेटा टाइप जो है, हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर ये, अब ये डेटा स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो है, देखो इधर, हाँ बस था, ठीक है। यहाँ यहाँ बता रहा था ना, सेम चीजें मैं यही वो इस ए डी है। चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना। ये जो है यहाँ पास, तो जिस तरह से इंट एक्स को मेमोरी मिली, इस तरह से एक्स के इधर मेमोरी मिली, इसी तरह से किसको मेमोरी मिलेगी, डी डेटा टाइप को। तो डी वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, क्या नाम है डी का, इसका डेटा टाइप, इसका वेरिएबल क्या है डी। डेटा टाइप किस टाइप का डेटा ये होल्ड कर रहा अभी, डी ये जो है, जो वैल्यू इसके अंदर असाइन किया जा रहा, इधर जो वैल्यू असाइन किया जा रहा था 30, इसके लिए एक लोकल मेमोरी क्रिएट किया गया ताकि हम इसको एक्सेस कर सके। इसी तरह से डी डेटा टाइप जो है, इसका डी टाइप का है, जो कि हम एक्सेस करेंगे किस टाइप के डेटा को, ए टाइप डी टाइप के डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉइंट, ये किसको पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस इसके अंदर होगा। तो क्या है, डी एट 1105, ठीक है। ये क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो ये है कंस्ट्रक्टर का काम, क्या है कंस्ट्रक्टर, ये समझ में आया, ये कंस्ट्रक्टर, ये वाली लाइन। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वैल्यू इनिशियलाइज कराना। जब डेटा हमारा इनिशियलाइज हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वो वेरिएबल जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किस टाइप का डेटा हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या करता है, ये डेटा को होल्ड करता है, डेटा के रेफरेंस को होल्ड करता है। तो इसके लिए एक मेमोरी क्रिएट होगी, ए ए वेरिएबल जो स्टोर करेगा डेटा। समझ में आया, नहीं क्लैरिटी नहीं है, एक बार और देख लो बस लास्ट। जैसे इंट ए, इसमें वैल्यू क्या स्टोर कराना है, 30। और एक जो है, हाँ इसको एक मेमोरी, मेमोरी क्या क्रिएट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, 30 डेटा, ठीक है डेटा। अब यहाँ एक मेमोरी क्रिएट होगी, मेमोरी क्रिएट होगी क्या नाम से, ए। एक बार और देख लो, ए नाम से मेमोरी क्रिएट हुई, ये डेटा, यस ये जो डेटा है क्या है, 30। 30 को मैं एक अभी सिंपल समझने के लिए, 30 इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, क्या है 30, ये डेटा है, हाँ 30 ये डेटा है। इस डेटा को आपने क्या किया, ए नाम की मेमोरी में स्टोर करा दिया,
इसी तरह से हमने एक ए टाइप का मेमोरी क्रिएट किया, ए टाइप का मेमोरी, मेमोरी करने सॉरी कुछ भी ले लो, ए वन ले लो, ए वन। इसके अंदर एक एक डेटा हमने स्टोर किया न्यू ए टाइप, ठीक है। अब यहाँ पास अब जिसको ये क्या है आपका डेटा, न्यू कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, न्यू कीवर्ड से ये डेटा। इसके अंदर डेटा क्या है, कुछ भी डेटा हो सकता है, मैं बस जैसे वो 30 लिखा है मैं आपको ये पूरा लिख रहा हूँ। अब एक डेटा है, अब ए वेरिएबल, ए वन वेरिएबल है, इसका एक मेमोरी क्रिएट होगा, ये होगा मेमोरी, नाम क्या होगा इसका, ए नहीं ए वन यार, एवन ए वन, ठीक है। ये 30, जिस तरह से 30 को हमने असाइन किया किसके अंदर, ए के अंदर, ए किस टाइप का डेटा है, मेमोरी किस टाइप की क्रिएट हो गया, इंट टाइप की मेमोरी क्रिएट होगी। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो जेवीएम हमेशा पूछता है कि वेरिएबल तो क्रिएट करना है लेकिन डेटा टाइप क्या है, किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करना है। हम बोलेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वह है इंट टाइप का, आप इंट टाइप की मेमोरी क्रिएट करो, तो वो इंट टाइप की मेमोरी क्रिएट करेगा, मेमोरी का नेम क्या होगा, ए। उसी तरह से जब हम भी एक वेरिएबल क्रिएट करने जाएंगे ए वन वेरिएबल तो क्रिएट करने के लिए जेवीएम रेडी है, हाँ ठीक है, मैं मेमोरी एलोकेट करने वाला हूँ, लेकिन किस टाइप की मेमोरी आपको चाहिए, तो आप बोलोगे कि ए टाइप की मेमोरी करो। क्यों ए टाइप की मेमोरी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ए टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, हमारे पास जो डेटा है वो किस टाइप का, ए टाइप का है। अगर यस आप क्लियर हुआ, सर, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए टाइप का डेटा को स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, एक कैट ले लो, कैट सी इक्वल टू न्यू कैट, अब बताओ इसको जो मेमोरी मिलेगी सी को, सी को मेमोरी क्या बोल रहे हो, सी को मेमोरी मिली, ये सी को जब मेमोरी मिलेगी तो जेवीएम क्या पूछेगा इससे, किस टाइप का डेटा एलोकेट करना है, सॉरी किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है तुम्हें, आप क्या बोलोगे, कैट टाइप का, क्यों, क्योंकि जो आपके पास जो डेटा है वो किस टाइप का है, कैट का डेटा है, तो हाँ, तो न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस, इसमें क्या होगा, कैट का डेटा होगा, ये है डेटा। वो यार समझ आया, समझ में, यस अब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, नहीं सर, आ गया। चलो ये है तो ये हमने एक क्या किया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कराना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथडोलॉजी, तो उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, कि इंट टाइप की वैल्यू हमारे पास है, इंट टाइप की वेरिएबल है, बट इंट टाइप जो है एक कोई वैल्यू जो है पास कर रहा, किस टाइप का, यही बना लेता हूँ कि नीचे बना ले, चलो कहीं भी बना लो सर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का देख ले लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर कंस्ट्रक्टर चेनिंग सुपर कंस्ट्रक्टर, वैसे सिंपल है बताने को, बता दूं, चलो कल बता देंगे, खत्म ही कर देंगे कंस्ट्रक्टर टॉपिक, है ना। हाँ ये है क्लास क्लास डेमो डेमो
int id और string name डबल सैलरी, ठीक है, डबल शिवम। हाँ क्या कुछ पूछ रहे शिवम मैसेज आपने क्या कुछ? नहीं सर मैं सर कह रहा था। अच्छा कंस्ट्रक्टर, चलो क्रिएट करें कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया, अरे आप कंफ्यूज होंगे इतना ज्यादा ना लिखो अभी। अभी आप लेते हैं इंट के सिर्फ डेमो ये क्या है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दूसरा डेमो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट जो है इंट आईडी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, इसको इनिशियलाइज करा रहे हैं हम डायरेक्ट। दिस आईडी इक्वल टू आईडी, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आईडी और ये आईडी में, इसको ले लो यू आई डी यूजर आई डी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यार, क्योंकि आपको लगे कि सर दोनों जगह आई डी लग रहे हैं तो ये वाली आई डी सेम तो नहीं, नहीं ये अलग है क्योंकि इंट है ना, इंट अलग, इंट लिख दिया इसका मतलब क्या है, इसको अलग मेमोरी मिलेगी, इसको अलग मेमोरी मिलेगी, है ना। यस सर। दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड लोडिंग करना क्या, तो इंट जो है हमें इंट टाइप का डेटा स्टोर करना है, बट हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, तो हमने कॉल किया किसको, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया, ठीक है। तो जैसे मान लो स्ट्रिंग आया स्ट्रिंग एस एस आई डी स्ट्रिंग आई डी है ना, मतलब है तो यू आई डी ही यूजर आई डी, इसका डेटा हमें असाइन करना है किस पर, इंट, है ना। तो बताओ स्ट्रिंग का डेटा क्या हम इधर असाइन कर सकते हैं इंट में, यस स्ट्रिंग का जो डेटा है स्ट्रिंग टाइप का डेटा इंट में असाइन होगा, इंट टाइप की मेमोरी में स्टोर होगा। नहीं ना, फिर क्या करोगे, कैसे करोगे, दिस डॉट आई डी इक्वल टू, अगर आपको असाइन करना है यू आई डी हो गया, यस सर, हाँ हो जाएगा, क्या बात है, कैसे हो गया यार। अरे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है, इंट में स्टोर होगा, नहीं होगा सर, बोल रहे यस है ना, नींद लग रही है आपको लगता है यार, नींद नहीं आ रही सर, बोरिंग हो रहा, बोरिंग लग रहा, नो सर, नहीं सर बोरिंग नहीं है। टिक इंट और इधर मैंने लिया दिमाग से कीड़े मार रहे हैं, क्या हो रहा सर आपकी क्लास, बोलो मेरी क्लास क्या, आपकी क्लास में नींद और बोरिंग दोनों कुछ भी नहीं आती है। अच्छा यस सर, चलो तो फिर अच्छी बात है यार, बाकी लोगों में आ सकती है। हाँ। नहीं सर बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं सर, वो आप समझा रहे हैं सर तो हम अपने दिमाग के कीड़े दौड़ा रहे हैं सर, किस तरीके से दिमाग लड़ा रहे हैं ना अपना, तो इसीलिए तो
देखो मैं सारी चीजें एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम आया नहीं, इसलिए मैं देखो कोड भी लिख रहा हूँ, डायग्राम भी बना रहा, चीजों को रिपीट भी कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम, ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, है ना। बस इसी तरह से धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, कोड बढ़ते जाएंगे और चीजों को मैं रिपीट करते रहता हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि आपको पिछला रिवाइज भी होता रहे, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पास इंट इंट मैंने लिखा यू आई डी, इसमें हमने स्टोर किया यू आई डी में स्टोर किया डबल कोट्स 10। अब मैंने बोला कि आप असाइन कर दो किसमें ए इक्वल टू यू आई डी, ए किस टाइप का डेटा है, ए मेमोरी किस टाइप की है, इंट टाइप की ना, इंट में यस सर, वैल्यू किस टाइप का है, 10। तो यू आई डी जो है आप क्या करें इसके अंदर असाइन करा रहे हैं, है ना। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम समझने में, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, लोग हो रहा, सब लोग को हो रहा वॉइस ब्रेक। हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा था, अब ठीक है। ठीक है, देखो क्या आ रहा प्रॉब्लम, इनकम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। इस लाइन में समझ में आया कि जो यूआईडी है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ए है मेमोरी की इन टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा ए में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आया समझ में, स्ट्रिंग सर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो जब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते इंट में, तो कैसे हम डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन है, स्ट्रिंग में डेटा क्यों आती है, हमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। स्ट्रिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी ग्लोबली डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होती है। कैसा ग्लोबल डेटा यार, एक एप्लीकेशन से जब दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर होता है, वो सारे डेटा हम किसमें लेके जाते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास से, इम्यूटेबल और म्यूटेबल मीन्स क्या होता है यार, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, इम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल। तो स्ट्रिंग क्लास को डिजाइन किया गया है इम्यूटेबल क्लास। हाँ स्ट्रिंग क्लास को कैसे डिजाइन किया गया है, एक इम्यूटेबल नॉन चेंजेबल क्लास की, आप इसके इसमें वैल्यू अगर स्टोर कर दिए हैं तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए जब ग्लोबली डेटा हम ट्रेवल कराते हैं, ग्लोबल में डेटा कोई हैकर अगर उसे चेंज करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, वो एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होती, कभी भी इसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में पूरा कंप्लीट बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। देखो रीजन क्यों है, स्ट्रिंग वैल्यू में ही क्यों ट्रेवल करा रहे हैं, क्योंकि नॉन चेंजेबल है। तो क्या हम बाइनरी लैंग्वेज में ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, यस बाइनरी लैंग्वेज में ट्रेवल करा सकते हैं, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में क्या है प्रॉब्लम कि इसके साथ मिसलेनियस कोड ट्रेवल हो सकता है, वहां सिक्योर नहीं कर सकते। वहां पास क्या है, कोई भी हैकर सिंपली बाइनरी लैंग्वेज को हैक कर सकता है, उसमें अपना कोड ऐड कर सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई हैक नहीं करता है, ठीक है, अगर हैक भी करता है तो उसके लिए कोई भी किसी भी काम का डेटा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नॉन चेंजेबल है, चेंज ही नहीं होगा, जो है फिक्स है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट मीन्स डेप्थ में देखेंगे बाद में। अभी आप देखिए कि ये स्ट्रिंग डेटा कन्वर्ट नहीं कर सकते हम किसमें, इंट में, तो क्या करना होगा, इंटरमेट हाँ इंट में कैसे करोगे, कैसे कैसे असाइन करोगे, तो क्या आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर है? क्या ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक कंस्ट्रक्टर बना, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर देखो क्या है, ये किस टाइप का है यार कंस्ट्रक्टर,
अरे इंट टाइप का है ना इंट, यस सर इंट टाइप। ये, इंट ले रहा है वैल्यू, और आपको क्या करना है, इंट वैल्यू ही चाहिए स्ट्रिंग आपको। आपको किस टाइप, आपको किस टाइप के पास वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की है ना। तो इसको यस सर, हाँ तो इसको ऐसा कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल देखो कि आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंट में। स्ट्रिंग से इंट कैसे कन्वर्ट किया जाते हैं, रैपर क्लास यूज करके ना। इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ, पार्स इंट ऑफ यूआईडी। यूआईडी क्या है, एक स्ट्रिंग क्लास है। ये इंट टाइप का डेटा हमें रिटर्न किया, रिटर्न कर दिया है इंट, किसी भी वैल्यू में आपने स्टोर कर लिया, इंट यू आई डी ले लिया। ठीक है यार, ऐसा करोगे फिर इसके बाद इनिशियलाइज कराओगे, दिस डॉट ए इक्वल टू यू आई डी, सही है। Here. हाँ? एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, देखो बस 5 मिनट और गया, 5 मिनट और चले क्लास शुरू हो गया। एक क्लास के पास मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, हमने पास किया किस टाइप का, स्ट्रिंग यू आई डी, एक डेटा इसमें असाइन करना है हमें इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ, पार्स इंट ऑफ यू आई डी रिटर्न करता है इंट टाइप की वैल्यू, इसमें हमने लिख दिए और यू आई डी और असाइन करते हैं इसके अंदर this dot a equal to uid, सही है, इसको अभी रिमूव कर लो, सिंटैक्स समझाने के लिए था, ये जो डेटा हम फेच कर रहे थे इसको भी अभी रिमूव कर दो। हाँ, ए वेरिएबल किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे, नहीं तो इसको अभी रिमूव कर दो, सिर्फ किसके लिए, नॉन स्टैटिक के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। ठीक है, चलो इसमें देखो कंपाइल करें, क्या है प्रॉब्लम, क्या लिखा है, वेरिएबल यू आई डी इज ऑलरेडी डिफाइंड कंस्ट्रक्ट इन कंस्ट्रक्टर ए, यू आई डी किधर डिफाइन है, इंटीजर पार्स इंट, ओके यू आई डी एक काम कर लो, UIDI कुछ भी लिख लो। अब देखो ये क्या हो गया, कंपाइल्ड, अच्छा कंपाइल हुआ, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। फर्स्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, किसको, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें है ना, न्यू ए कंस्ट्रक्टर पास कर दें डेटा, इसे डबल कोट्स ए, सॉरी डबल कोट्स, ठीक है मेमोरी मिली, ये डेटा हो गया। अब इसको हम एक्सेस करते हैं कैसे, या इसका रेफरेंस के थ्रू डायरेक्ट भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट क्या करोगे, अभी रेफरेंस से देख लो,
क्या करना है, कंट्रोल एक्स सिस्टम आउट प्रिंट एलन ऑफ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पास किया कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करेगा यार, ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न करेगा एक रेफरेंस, है ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एक क्रिएट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल जावा ए, ये क्या है रेफरेंस, इस रेफरेंस से हमें एक्सेस करना है वे वेरिएबल, इस वेरिएबल में क्या है ए वेरिएबल डॉट ए क्या है स्टोर्ड है या नहीं, ए की वैल्यू कंपाइल, ओ कंपाइल एग्जीक्यूट, टेन टेन आयर, हाँ सर आ गया, ए वेरिएबल किस टाइप का, इंट टाइप का, ये ना, लेकिन आपने किस में पास किया, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टाइप का पास किया है यार वैल्यू या नहीं, यस हाँ सर टेन स्ट्रिंग टाइप, हाँ सर पास कर दिया, यस। और इसी तरह से एक अगर कोई से ने डायरेक्ट इंट पास किया, डायरेक्ट टेन पास किया, टेन दिस, इसको इंट वैल्यू हमें चाहिए, सिर्फ इंट पास किया तो इंट वैल्यू प्रोवाइड कर दो, जो इंट वैल्यू डायरेक्ट देता हो, ठीक है, इंट आईडी कॉमा है दिस डॉट ए को टू असाइन कर दिया आईडी, कंस्ट्रक्टर सेम सेम लाइन में, अगर कोई कंस्ट्रक्टर की नहीं कैसे पास करता है, तो यहाँ जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो क्या प्रिंट होगी, टेन, इधर जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग अगर कोई पास करता है तो 100, इसी तरह से पास करता है अगर कोई किस टाइप की वैल्यू, न्यू इंटीजर ए रैपर क्लास, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं इंटीजर, इंटीजर ऑफ 1000 क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तो इंटीजर देखो, इंटीजर टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है, ये चीजें आगे आपको रिवाइज होंगी मल्टीपल टाइम्स, और प्रोग्राम CLS और जावा सी ए डॉट, प्रोग्राम क्या हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम आई, यहाँ आई कौन से लाइन नंबर, ये लास्ट वाले में, लास्ट में क्या है, इन न्यू इंटीजर जो आपने 1000 पास किया है, इस लाइन में क्या बोल रहा है कि इंटीजर इंट इन इंटीजर हैज बीन डेप्रिकेटेड दैट मार्क्ड फॉर रिमूवेबल, रिमूवेबल ये है, ठीक है, आपको बोल रहा है कि ये रैपर क्लास नहीं प्रोवाइड करना, डेप्रिकेटेड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पास मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, या कंट्रोल एक्स डायरेक्ट देखो कितना आउटपुट आना चाहिए हमारे पास, क्या आउटपुट आएगा, जावा ए 10 and 100, लेकिन दोनों डेटा जो है, दोनों ये स्टोर्ड कहाँ हो रही है, इंट मेमोरी में ना, एक ही मेमोरी है ना यार, कोई स्ट्रिंग टाइप की मेमोरी है क्या, नो सर नहीं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया गया है, क्योंकि अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर यूजर इंट टाइप का डेटा पास करता है तो ये वाला भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रिंग में डालता है तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर, ठीक है। ये ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब समझ में यार, रियल टाइम एग्जांपल, कोई रियल टाइम एग्जांपल बताओ। हाँ रियल टाइम एग्जांपल कौन बताएगा? अरे कार चलाते हो ना, कौन कौन कार चलाता है? सभी लोग ना, नहीं चलाते हुए तो घूमे तो होगे, और जो लोग चलाते हैं उनको तो काफी आइडिया होगा। तो एक एक सा एग्जांपल बताओ जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लो ये फॉलो करता है। ओवरलोडिंग मीन्स एक ही काम है, एक ही काम है वो दोनों काम हैंडल करता हो। वो क्लच जानते ना, क्लच अच्छा क्लच का काम क्या है? गाड़ी को फ्री करना, गाड़ी को फ्री करना, और गियर चेंज के टाइम सर। गियर चेंज भी होता है, गियर चेंज भी होता है, गियर चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं उसको। इसके कितने काम है? तो इसके कितने काम है? क्लच मल्टीपल काम है सर, गाड़ी को स्टार्टअप देना, मल्टीपल यूज। हाँ तो क्लच जो है, क्लच जो है, इसे आप चाहे तो आप गियर चेंज कर सकते हैं या फिर इसे गाड़ी फ्री कर सकते हैं, गाड़ी स्पीड कर सकते हैं, है ना, गाड़ी स्पीड कर सकते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट ड्राइवर जो होते हैं वो क्लच से ही बिना क्या बोलते हैं गियर चेंज की ही वो हैंडल कर लेते हैं, सिर्फ क्लच ही वो हैंडल कर लेते हैं, सिर्फ क्लच, है ना, है ना। नहीं माइक यस सर, ऑन है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आप क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा एग्जांपल ढूंढो जो एक ही चीज है लेकिन वो मल्टीपल काम करते हो, मल्टीपल उसके फंक्शनैलिटी हो। कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो एक ही ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो उसकी मल्टीपल फंक्शनैलिटी, मल्टीपल वर्क करता हो। बताओ बताओ बताओ, सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्ट हम ही है ना, हम खुद है, सेल्फ खुद मतलब एक पर्सन, एक ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? जी ह्यूमन की बिहेवियर कितने टाइम चेंज होती है? घर में होगा पापा के सामने तो बिहेवियर अलग, मम्मी के सामने बिहेवियर अलग, भाई बहन के सामने बिहेवियर चेंज, फ्रेंड के सामने बिहेवियर चेंज, गर्लफ्रेंड के सामने टोटल बिहेवियर चेंज, क्यों यार? एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इसकी कितनी क्वालिटी है? क्यों बोलो, ओवरलोड हुआ ना, ओवरलोड हुआ ना। यस सर, पर्सन एक ही है, पर्सन एक ही लेकिन ये अलग अलग मींस बिहेवियर्स की है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये कभी एक्ट करता है फ्रेंड के साथ, कभी इसकी जो डिफरेंट एक्टिविटी है वो माँ बाप के साथ, और थर्ड और जो एक एक्टिविटी है जो रोल रोल पे करता है वो किसके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। तो सभी के साथ एक जैसा नहीं रहता है, सबके साथ अलग अलग है ना। और सीनियर मिल गए इसके कंपनी के, मैनेजर के साथ अलग, हाँ कलीग के साथ अलग बिहेवियर, सबको तो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि जैसा दोस्त के दोस्त के साथ वो ट्रीट करता है वैसा मैनेजर के साथ भी ट्रीट करे अपने बॉस के साथ,
या अपने गर्लफ्रेंड के साथ, नहीं ना? तो ये होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग, ओवरलोड कराना कर, मतलब ये है एक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, ऊप्स में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मींस जो होती है एक ही ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिफरेंट रोल होते हैं, मल्टीपल रोल्स होते हैं, तो रोल्स कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको आगे बताएंगे। अभी यहाँ तक समझ में आ गया यार, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस स्टेट सर, स्टेट हाँ चलो यार। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो है वो कल बता दूंगा, कंस्ट्रक्टर चेनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपल है, कल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करो, मिलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कल लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मेथड्स, मेथड्स बताएंगे, और नेक्स्ट मेथड्स के बाद फिर स्टार्ट होगा आपका इनपुट टाइप, इनपुट कैसे, इनपुट मीन्स डेटा कैसे रीड करते हैं, डेटा रीडिंग, डेटा रीड करना है यूजर से, यूजर से डेटा करना है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को डाउट? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो ग्राफ है स्टार्टिंग में ग्राफ है, कौन सा स्टार्टिंग ग्राफ, ऊपर टॉप पे? स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास का। हाँ हाँ फर्स्ट क्लास का, हाँ 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 बोलो फर्स्ट क्या डे है। वाला, हाँ हाँ बोलो, फर्स्ट डे और सेकेंड डे वाला वही क्लास किसी दिन सर कवर करा दीजिए। ग्राफ अच्छा वो फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे का, चलो फुल, ग्राफ उसमें क्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा ऑन है। चलो ठीक है, हम रिवाइज करा देंगे किसी दिन, ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो।